sit by myself, talking to the moon. It's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. सो है गाइज, दिस इज़ योर भाई इंजामन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे को मैसेज करते हैं, उन लोगों का क्वेरीज रहता है कि भैया आपका यूनिवर्सिटी दिखाइए, यूनिवर्सिटी कैंपस दिखाइए। अब दिख रहे हैं हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस, ये क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है और ये रशिया का बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी और काफ़ी खूबसूरत है। अब देख ही रहे होंगे। स्टार्टिंग में कहना चाहता हूँ कि आप ये जो आप सराउंडिंग देख रहे हैं, हमारा मेन बिल्डिंग दिख रहे हैं, इसका फोटो, इमेज, वीडियो आपको हर जगह पे दिख जाएगा, गूगल पे दिख जाएगा, यूट्यूब पे दिख जाएगा। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया का जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी 1918 में एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज है बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हु, EFMG। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया का क्रीमिया स्टेट में है और सिम्फरोपोल सिटी में है। सिम्फरोपोल सिटी क्रीमिया का कैपिटल सिटी है। आपको रशिया में ऐसा बहुत यूनिवर्सिटी दिख जाएगा जहाँ पे बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल मतलब पहले का 3 साल इंग्लिश में पढ़ेगा और बाकी का 3 साल रशियन में। हमारा क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी 6 साल तक फुल इंग्लिश मीडियम कोर्स है। हमारा क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का खास बात यही है कि इसका फीस काफ़ी कम है और एजुकेशन क्वालिटी सबसे बेस्ट है, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को IES की तरफ से, मतलब इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से सर्टिफाइड। IES तभी एक यूनिवर्सिटी को सर्टिफाइड करते हैं जब उसका एजुकेशनल क्वालिटी सबसे बेस्ट होता है। यही सब रीज़न है जो इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी खास बनाता है, इसीलिए इंडियन स्टूडेंट का इस यूनिवर्सिटी का डिमांड सबसे ज़्यादा है। हर साल इस यूनिवर्सिटी में हर ईयर में 700 से 800 बच्चे एडमिशन लेते हैं और इसका डिमांड सबसे ज़्यादा है। मतलब आप एक बोल सकते हैं कि ये एक मिनी इंडिया जैसा है, क्योंकि रशिया में इतना स्टूडेंट बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं। मोर्ते डोशन विवस, इसका मीनिंग है डेड टीचर्स द लिविंग, मतलब जो डेड बॉडी कैडेवर होती है वो हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब जैसे हम उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं से ही तो हम सीखते हैं। यह हमारा मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर लेक्चर हॉल, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, सारा कुछ है। हमारा कैंटीन है।
और हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी में। ये हमारा स्टडी हॉल है जहाँ पे हम आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारा सेकेंड कैंपस और थर्ड कैंपस, मतलब सेकेंड बिल्डिंग और थर्ड बिल्डिंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और सेकेंड और थर्ड बिल्डिंग आपको दिखाते हैं। चलिए तो ये रहा हमारा सेकेंड कैंपस, मतलब सेकेंड बिल्डिंग, जहाँ पे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियो थेरापी, लैटिन, फिजिक्स सारा कुछ पढ़ाया जाता है। और सेकेंड कैंपस के बगल में ही है हमारा कैंटीन जहाँ पे हम खाना खाते हैं। ये रहा हमारा कैंटीन जो रशियन कैंटीन है और यहाँ पे हम खाना खाते हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटी कैंपस में दो तीन कैंटीन मिल जाएगा, लेकिन ये उनमें से एक है। हमारा कैंपस के अंदर आपको चार्ज भी दिखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा डीन ऑफिस जहाँ पे यूनिवर्सिटी का सारा ऑफिशियल काम होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, वीजा एक्सटेंशन, फीस रिलेटेड कोई भी चीज़ हो एंड एवरीथिंग। ये हमारा थर्ड हॉस्टल है जिसके नीचे डेंटल के, नर्सिंग के क्लासेस चलते हैं और ऊपर हॉस्टल है। ये सेकेंड हॉस्टल है जो थर्ड हॉस्टल का बगल में ही है
और ये दोनों हॉस्टल डीन ऑफिस और मेन बिल्डिंग का सबसे पास है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये डांस बिल्डिंग है। नॉर्मली कोई भी फंक्शंस के लिए हम यहाँ पर डांस प्रैक्टिस करते हैं। डोम कल्टूरी, इसका मीनिंग है हाउस ऑफ कल्चर, मतलब कल्चरल हाउस है। यहाँ पर सारा फंक्शन, प्रोग्राम, ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पर हमारा पीडियाट्रिक्स का क्लास होता है। ये हमारा पॉलीक्लिनिक है। आप अंदर जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ से COVID-19 लेबोरेटरी स्टार्ट होता है। ये लेक्चर बिल्डिंग है, यहाँ पर 6 से 7 लेक्चर हॉल है। ये हमारा फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बाहर है और इस कॉम्प्लेक्स का अंदर इंडोर्स के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस होता है और अंदर स्विमिंग पूल भी है। और आउटडोर गेम्स के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का साइड में बड़ा सा ग्राउंड है जहां हम क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं और हॉलीडेज़ में हम क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट खेलते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का पढ़ाई काफ़ी अच्छा और स्ट्रिक्ट है, तो अगर आप पढ़ाई को बहुत लाइटली लेते हैं तो इस यूनिवर्सिटी आप ना आए तो आपके लिए बेहतर है। और अगर आपको और भी कोई इंक्वायरीज है, आपका कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपका सारा क्वेरीज और डाउट आपको क्लियर कर दूँगा।